नागपुर से भाजपा के संभागीय कार्यालय में उद्धव ठाकरे समूह के अमरावती जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े नितिन गुडगे पाटिल आज 500 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस समय प्रवीण पोटे पाटिल प्रताप हटसड़ उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भिंड ने पार्टी के दुपट्टे और फूलों के गुलदस्तों के साथ सबका स्वागत किया। सरकार ने अंत्योदय कार्ड रखने वाले सभी परिवारों के लिए एक और सुविधा कर दी है। सरकार ने फैसला किया है कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। चंद्रपुर शिवसेना के युवा सेना जिला अध्यक्ष नीलेश बेलखोड़े ने गोंडवाना विद्यापीठ से नेट इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की है। गौरतलब है कि शिवसेना प्रणीत शिक्षक सेना की ओर से नीलेश बेलखोड़े को पूरी तरह समर्थन दिया गया था। बन्नास खोके एकदम ओके ज्ञात गणेश जी की विदाई शोभा यात्रा में बहुचर्चित विषय होगा, क्योंकि गणेश भक्तों के लिए खास बन्नास खोके एकदम ओके टी शर्ट बाजार में बिक्री के लिए आ गई है। कुछ उत्साही गणेश भक्तों ने विसर्जन की पूर्व संध्या पर इन टी शर्ट को पहनते हुए मीडिया पर अपनी तस्वीरें भी जारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से वर्षा आवास पर मुलाकात की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इस मौके पर देशपांडे ने मुख्यमंत्री को भेंट की। चंद्रपुर के डॉक्टर जितेंद्र खोबरागड़े और उनकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। दोनों की इकलौती बेटी है गाथा खोबरागड़े। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को जिला परिषद स्कूल में दाखिला कराया। इस आदर्श का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। महानता विचारों में होनी चाहिए, पैसे में नहीं। ऐसे लोगों में चर्चा हो रही है। जीवती तालुका के पद्मावती गांव में सभी नागरिकों के पास राशन कार्ड है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 5 महीने से किसी भी कार्ड धारक को राशन नहीं मिला। गांव में राशन का दुकानदार बलवंत गोट वाले हैं और राशन वितरण किया जाता है। सिद्धेश्वर यादव द्वारा आरोप लगाया गया है कि पिछले 5 महीनों में किसी भी कार्ड धारक को राशन नहीं मिला है। चंद्रपुर के सांसद और कांग्रेस नेता राहुल पुगलिया ने एक साथ मिलकर चंद्रपुर के राजा के दर्शन किए। बीच में पूर्व सांसद नरेश पुगलिया और वर्तमान सांसद धानोरकर के बीच दूरियां बढ़ गई थी, इसलिए ये भेंट की चर्चा हो रही है। चंद्रपुर जिले के आखिरी छोर के अति दुर्गम आदिवासी बहुल जीवती तालुका में सरकारी स्कूल की गुणवत्ता सुधारने पर जोर देने के बजाय कम प्रवेश के कारण स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, ऐसा भूषण फूसे ने चेतावनी दी है। चंद्रपुर में पहली बार गणेश विसर्जन रमाला तालाब में न होते हुए दाताला रोड पर स्थित इराई नदी पर किया जा रहा है। महानगर प्रशासन ने सारे इंतजाम बखूबी किए हैं।